हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आप लोगों के साथ पास्ता की रेसिपी शेयर करने जा रहे हैं। उससे पहले अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें और आप सब वीडियो को देखने का आनंद उठा पाएँ। तो चलिए, यहाँ पर मैंने गैस पर एक भगोना रख दिया है, उसमें मैंने आधा भगोना पानी डाल दिया है और जब पानी गर्म हो जाता है तो उसमें हम डाल देंगे एक चम्मच रिफाइंड ऑयल और आधा चम्मच नमक और उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे पास्ता, सॉरी मैक्रोनी है। तो यहाँ पर मैक्रोनी को ऐड करने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। उधर बॉयल हो रहा है और इधर देख लीजिए, यहाँ पर हमने छोटे छोटे पीसेज में प्याज कट कर लिया है, हरी धनिया है, दो हरी मिर्च है, गाजर, टमाटर और एक कटोरी के लगभग हरी मटर है। इन सबको हमने तैयार कर लिया है। आप अपने च्वाइस के अनुसार और भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं। यहाँ देखिए, हमारी मैक्रोनी बॉयल हो चुकी है और हमने पानी से इसे अलग कर लिया है और ठंडे पानी से दो बार अच्छे से वॉश कर लिया है ताकि मैक्रोनी अच्छे से खिली खिली दिखे। और फिर हमने गैस पर कढ़ाई को रख दिया है और इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। हम सरसों का तेल ही खाते हैं, हमारे घर का शुद्ध सरसों का तेल है। और तेल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम ऐड करेंगे कटी हुई हरी मिर्च। इसके बाद इसमें हम कटी हुई प्याज को भी ऐड कर देंगे और थोड़ी देर तक इसे हम फ्राई करेंगे। वैसे मैक्रोनी तो बनाना सभी को आता है पर हर किसी का तरीका अलग अलग होता है, इसलिए हर तरीके से ट्राई करना चाहिए कब किसका तरीका पसंद आ जाए। अब प्याज को हम सैलो फ्राई कर लेंगे, हमें बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है। और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे गाजर और साथ में हरी मटर भी ऐड कर देंगे और फिर दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे और नमक थोड़ा ही ऐड करेंगे क्योंकि हमने पहले पानी में भी ऐड किया हुआ था। थोड़ी देर फ्राई करने के बाद इसे हम प्लेट से इस तरह से ढक देंगे 5 मिनट के लिए और 5 मिनट के बाद हम फिर प्लेट को हटाकर इसमें कटे हुए टमाटर को भी ऐड कर देंगे और फिर एक बार अच्छे से इसे हम मिक्स करेंगे। फिर से इसे हम 1 या 2 मिनट के लिए ढककर छोड़ देंगे और उसके बाद फिर से प्लेट को हम हटाकर इसमें पास्ता मसाला ऐड करेंगे। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो 1 सैशे की जगह 2 सैशे डाल सकते हैं। हमें ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद है इसलिए हम 1 ही सैशे डालेंगे और मसाले को अच्छे से मिक्स करेंगे। नमक तो हमने पहले ही ऐड कर दिया था और टमाटर को यहाँ हम अच्छे से मैश कर लेंगे। और फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताइएगा कि इस तरह से मैक्रोनी बनाकर खाना किसे किसे पसंद है। यहाँ पर टमाटर को हमने अच्छे से मैश कर दिया है, अब इसमें हम मैक्रोनी को ऐड कर देंगे और मैक्रोनी को ऐड करने के बाद इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हमारी सब्जियां और मैक्रोनी एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाएं। यहाँ पर हमने मैक्रोनी और मसालों को अच्छे से मिक्स कर दिया है और थोड़ी देर के लिए इसे हम फिर से प्लेट से ढक देंगे लगभग 5 मिनट तक और उसके बाद फिर हम इसमें ऊपर से हरी धनिया ऐड कर देंगे और फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो हमारी मैक्रोनी बनकर तैयार हो चुकी है।
बार मैं फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मैं बहुत छोटी छोटी वीडियो बनाती हूँ, प्लीज़ हमारे वीडियो को कम से कम 2 या 3 मिनट तक वॉच कर लिया करें। और हमारी रेसिपी अगर आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और बगल में बेल आइकन के निशान को भी प्रेस कर दें ताकि वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे एक अच्छी सी रेसिपी के साथ और अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।